भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी का इलाज के दौरान एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि सैनी की तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई और जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं पाए। वहीं आज उनकी पार्थिव देह को दिल्ली से जयपुर लाया गया, जहां भाजपा मुख्यालय में सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों ने उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव देह को सीकर ले जाया जाएगा। सीकर में राजकीय सम्मान के साथ मदनलाल सैनी का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि सैनी एक बार भाजपा से विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य थे और लंबे समय तक पार्टी के अखिल भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रहे। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े रहे सैनी सहज, सुलभ और आम कार्यकर्ता के साथ घुलने मिलने वाले व्यक्ति थे। उनकी छवि आम कार्यकर्ता की थी। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन पर पार्टी का ध्वज भी आधा झुका दिया गया। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने स्वर्गीय सैनी को भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर दिवंगत मदनलाल सैनी को पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज जब सीकर में उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। लंबी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, रविवार को ही उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। हालांकि डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया उन्हें बचाने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मदनलाल सैनी का निधन हो गया। लंबे समय से भाजपा में एक आम कार्यकर्ता की छवि रखने वाले, एक आम कार्यकर्ता के साथ घुल मिलकर भाजपा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, और अब इस क्षति के बाद भाजपा में शोक की लहर छा गई। दिग्गज नेता भाजपा के मुख्यालय पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इधर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे।